हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भैया अच्छे हो गए और आप लोगों को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हमने 3-4 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी मम्मी के भाई ख़त्म हो गए थे, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे, उनकी डेथ हो गई, इसलिए हम कई दिन 2-3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही। आप लोगों ने देखा कि मेरी वीडियो 3-4 दिन से नहीं आ रही है, तो बस यही वजह थी कि मैं लोग घर पर नहीं थी, मैं चली गई थी मामा के यहाँ पर। मेरे मामा ख़त्म हो गए और वो सूरत में थे, बहुत दूर नौकरी करते थे, वहाँ पर उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया दोस्तों, पर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ मालूम तो नहीं पड़ता था कि उन्हें कोरोना हुआ है, पर उनकी डेड वहाँ पर हो गई और उनकी डॉक्टरों ने दोस्तों मिट्टी भी नहीं दी। बहुत बुरा हाल हुआ, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई और बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। आपको क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। ने कोरोना पॉजिटिव बता दिया और उनकी डेड बॉडी नहीं दी और वहाँ कोई भी पहुँच भी नहीं पाया क्योंकि सूरत बहुत दूर थी। तब मेरे मामा जी अकेले गए मामा को लेने के लिए, तो ये नहीं पता था कि डॉक्टर लोग उनकी मिट्टी नहीं देंगे, तो उन्होंने उनकी मिट्टी नहीं दी और मेरे मामा पर बस उनका वहीं पर दाह संस्कार करवा लिया गया दोस्तों। बहुत बुरा हाल हुआ है, मेरे मामा ने अकेले कैसे किया क्या किया वो तो मामा ही जानते होंगे, क्योंकि देखने वालों की छाती दहलाती थी, सुनने वालों की आँखों में आंसू थे दोस्तों, जवान भी लड़खड़ा रही थी, कुछ बोलने में भी नहीं आ रहा था कि इतना बुरा हाल हुआ दोस्तों। वहाँ पर देहात थी, इसलिए मैंने वीडियो भी शूट नहीं की, क्योंकि देहात के लोग इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इंटरेस्ट, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और कुछ भी नहीं। नहीं तो दोस्तों मैं आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाते तो आप लोगों की भी छाती दहला जाती, इतना बुरा हाल हुआ दोस्तों। उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उनका ये समझो कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो चुकी है मेरी मामी की, छोटे छोटे बच्चे हैं बस, कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक मामा थे वो भी चले गए इस दुनिया से और उनकी मिट्टी मिल जाती तो मैं उनको देख लेती, तो माई को कुछ थोड़ा सा सुकून मिलता, तसल्ली मिलती कि हाँ उन्होंने देख लिया मरते वक्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बहुत बुरा हाल हुआ, तड़प तड़प के बेहाल हो गए, पर क्या करें दोस्तों, कुदरत की मार है, वो झेलनी पड़ी और सब लोगों ने तसल्ली कर ली कि चलो वो तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मिट्टी मिल जाए तो सही, ना मिली तो सही, और मिट्टी नहीं मिली दोस्तों। सब लोग उनकी मिट्टी का इंतज़ार करते करते डेड बॉडी का, और सब लोगों का इंतज़ार सफल नहीं हुआ दोस्तों, किसी की प्रार्थना काम नहीं की, डॉक्टरों ने मिट्टी नहीं दी, वहीं पर मेरे मामा का दाह संस्कार करवा लिया गया दोस्तों। अगर उनको कोरोना होता तो हमारे मामा ने उनका विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जैसे होता था वैसे ही किया। अगर कोरोना पॉजिटिव होते हमारे मामा तो ऐसा नहीं करने देते डॉक्टर, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आराम से मामा ने मामा की मिट्टी को दाग लगाया और दाह संस्कार किया और विधि विधान के साथ उनके फूल फूल क्या होते हैं दोस्तों, वो घर पर भी लेकर के आए और घर आके जो क्रियाक्रम होते हैं वो भी किए, तो आप समझ सकते हो कि मेरे मामा को कोरोना नहीं था, डॉक्टरों ने पता नहीं क्या किया क्योंकि वहाँ पर कोई अपना नहीं था, तो मेरे मामा की डेथ ज़बरदस्ती कर दी। ये मोदी दोस्तों पता नहीं क्या क्या करवाएगा और क्या होगा, समाज बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है क्योंकि हमारे देश में बहुत बुरा होने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत गलत है। आप लोग ऐसे दुखियों की और ऐसे बेसहारों की सहारा बनो दोस्तों और उन लोगों की मदद करो, ये बहुत पुण्य का काम है,
लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। जो होता है वो हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इंसानों के हाथ से रोटी छीन ली जाती है, बच्चे बीवी तड़पते रह जाते हैं और इंसान की डॉक्टर डेड कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हमारे मामा को दस्त हुए थे, बस दस्तों ही में हमारे मामा को बता दिया गया कि वो डेड हो गई उनकी। दोस्तों ऐसा क्या कहीं सुना नहीं है कि दो चार दस्त होने पर ही डेड हो जाती है। अरे कोई ज़्यादा सीरियस परेशानी होती तो अभी सही थी। बराबर फ़ोन पे बात की उन्होंने और फिर कुछ समय बाद बता दिया गया कि उनकी डेड हो गई। क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हुआ दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। मैंने अपनी नज़रों में आज तक ऐसा हाल नहीं देखा था कि हमारे मामा के साथ इतना बुरा हुआ है। इतने छोटे छोटे बच्चे वो भी लगते रह गए। दोस्तों क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है बोलने के लिए और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। बस इतना ही कहती हूँ कि आप सब लोग ऐसे लोगों की मदद करो और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितनी चाहो उतनी ऐसे पापियों को इन काम करने से रोको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।